कार निकलेगा गेट ही बंद है पर बच्चे हैं। हाँ पता है यार क्या करके रहा था। एक मिनट चला हो गया चलो ना चलो जून करना थोड़ा बीस मिनट और लगेगा। मैं बोला भाई मेरे को नीचे तरह खाता है वो सेब बोला हमको पैसा नहीं भरा ही नहीं मैं तो स्टार्टर में चालू करते रहे Thank you.
चलना चाहिए।
करो बूम। मैं पहली बार आई हूँ एक्चुअली, मुझे ये डेफिनेट मुझे ये करना था और मैंने अपनी टीम से कहा B24 नीचे करो, इसका बंदोबस्त कीजिए क्योंकि मुझे बच्चों से मिलना है, इंटरेक्ट करना है। B24 नीचे करो। मैं बहुत नर्वस भी थी बच्चों से मिलने के लिए क्योंकि आई विश कि वो भी खुश हुए मुझसे मिलकर, मतलब मैं इतनी ओवरवेल्म चिल्ड्रंस डे पे, और एक बहुत ही स्पेशल दिन है और एक्चुअली हर दिन चिल्ड्रंस डे की तरह ही होना चाहिए क्योंकि बच्चे जो है दे आर मोस्ट आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सबसे प्रेशियस हमारी कंट्री की चीज़, मतलब दे आर द मोस्ट, दे आर द सोल ऑफ आर कंट्री, तो उन्हें अच्छे से एजुकेशन मिलना चाहिए, खाना मिलना चाहिए, दे शुड बी ट्रीटेड द बेस्ट वे पॉसिबल। अभी कोई स्पेशल छोटी सी मेमोरी जो आपके लिए बहुत स्पेशल रही है बाल दिवस? सबसे स्पेशल मेमोरी है बाल दिवस से जुड़ी हुई ये है, जब स्कूल में हम जाते हैं वही दिन अलाउ हमें अलाउ करता था कि हम स्कूल यूनिफॉर्म फॉर्म ना पहने और कोई भी अपने पसंद के कपड़े पहन सकते थे, तो दैट वाज आल्सो वेरी फन एंड चॉकलेट्स बटते थे, हम गेम्स खेलते थे, तो इट वाज वेरी फन। यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हर ऑटोग्राफ सेल्फी लेने के लिए, आपको कैसा लगा? मुझे डेफिनेटली अच्छा लगा, आई जस्ट होप कि बच्चों को अच्छा लगा मुझसे मिल के, जो प्यार भी देते हैं आई होप कि मैं वही उनको दे पाऊँ। थैंक यू। आज हम सिर्फ बाल दिवस के बारे में बात करेंगे, सो थैंक यू सो मच। और यहाँ पे आई एम हियर बिकॉज ऑफ दी NGO पहले अक्षय, और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मैं उनको थैंक यू करना चाहूँगी कि दे यू नो गॉट मी इन्वॉल्व और यहाँ पे दे मेड दे पार्ट ऑफ दिस सेलिब्रेशन। थैंक यू।